नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की राजधानी की बात हो या फिर राजधानी के साथ लगते राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात हो, सब जगह कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम सरकारों को चिंता है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको रोका कैसे जाए। इसके लिए अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर क्रिसमस डे पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हुई थी। उसके बाद से एकदम से जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अकेले गुरुवार को राजस्थान के अंदर कुल 285 मामले सामने आए हैं, ये हैरान करने वाली बात है। और अकेले जयपुर के अंदर 185 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 33 बच्चे शामिल हैं और इनमें से अधिकतर बच्चे वो हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में अब सरकार के सामने चिंता ये है कि इन तमाम ये जो मामले बढ़ रहे हैं इन पर रोकथाम कैसे की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मीटिंग बुलाई है, हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, मंत्री शामिल होंगे और आगे की गाइडलाइंस जारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल 2021 का आखिरी दिन, और आज जश्न मनाया जाएगा, नए साल का स्वागत किया जाएगा। और जब नए साल का स्वागत होगा तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार फिर क्राउड अच्छी खासी संख्या में इकट्ठा होगा, बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलेगी। भले ही आप उसको रौनक कह सकते हैं, लेकिन कोरोना के हिसाब से देखें तो वो एक साइलेंट किलर उसको कहा जा सकता है। अब सवाल सामने ये उठ रहे हैं कि क्या पिछले साल यानी कि 2021 की शुरुआत में जो हुआ था कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, क्या उस तरह के हालात तो नहीं बनते दिख रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने, चर्चाएं चल रही थी कि उनको हो सकता है आगे बढ़ा दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम विपक्षी पार्टियों, सत्तादल पार्टी से बात करने के बाद चुनाव की तारीख, चुनाव को अभी कराने का फैसला किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उसी तरह राजस्थान में दिसंबर महीने में दो बड़ी रैलियाँ हुई थी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। उन रैलियों के बाद भी सवाल उठे थे कि कोरोना के इस टाइम में क्या इस तरह की रैलियों को इजाज़त दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद हुई। और उसके बाद क्रिसमस का त्यौहार था तो उस दिन भारी भरकम भीड़ देखने को मिली थी। अब नए साल के ऊपर एक बार फिर डर यह है कि जब नए साल के जश्न में लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की सख्त गाइडलाइन नहीं है जिसमें नाइट कर्फ्यू को जल्दी लागू किया जाए, ताकि जो रात की इवेंट हैं, जो 12 बजे नए साल का स्वागत होगा, उन इवेंट पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है, 12:30 बजे आज रात तक का टाइम सरकार की तरफ से दिया गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर है कि सरकार मीटिंग करने जा रही है तो क्या फैसले लेगी। हो सकता है नए साल से यानी कि 1 जनवरी से ये जो गाइडलाइंस है इनको और कड़ा किया जाए, नाइट कर्फ्यू को अच्छी तरह से लागू करवाया जाए, उसके टाइम में बढ़ोतरी की जाए, और उसके अलावा तमाम, चाहे वो परिवहन की सेवाएं हो या फिर सिनेमा हो, जिम हो, उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, यानी कि 50% क्षमता के हिसाब से उनको खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन ये कई बड़े सवाल हैं और हो सकता है कि इनका जवाब गहलोत की जो मीटिंग है उसमें निकल कर सामने आए। न्यूज़ 19 आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग, भले ही नया साल है, उसके स्वागत की तैयारी में है, लेकिन आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है।